और बात राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर के करें तो मुख्यमंत्री कौन होगा राजस्थान का, ये अभी तक तय नहीं हो पाया। इसको लेकर के चर्चाओं का बाजार काफी ज्यादा गर्म है। और इसी बीच, इन सब के बीच जो वसुंधरा राजे हैं वो दिल्ली पहुंच चुकी हैं। बिल्कुल, और आला कमान से उनकी मुलाकात होने भी वाली है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस बार आला कमान वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का पद सौंपेंगे, या हो सकता है दीपिका कि राजस्थान में, क्योंकि कितने नाम आगे चल रहे हैं, तो कोई नया चेहरा सामने आए। सस्पेंस अभी भी बरकरार है, कौन होगा अगला सीएम राजस्थान का, हम आपको टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर ही बताएंगे। हम वॉक लेते हैं, आप ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में बीजेपी ने धमाकेदार जीत दर्ज की, लेकिन सीएम के नाम को लेकर फैसला करने में बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। रेस में कई नाम चल रहे हैं, लेकिन मुहर किस नाम पर लगेगी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंच गई हैं। सुबह केंद्रीय नेतृत्व से उनकी मुलाकात हो सकती है। दरअसल बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम फेज की घोषणा नहीं की थी। बीजेपी ने चुनाव में 41.69% वोटों के साथ 199 सीटों में से 115 सीटों पर जीत दर्ज की है। वसुंधरा राजे दो बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। सीएम की रेस में उनका नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। समर्थक भी आलाकमान के फैसले पर टकटकी लगाए हुए हैं। हालांकि सियासी गलियारे में चर्चा ये भी है कि बीजेपी नए चेहरे को मौका दे सकती है। इससे पहले 4 दिसंबर को करीब 25 नवनिर्वाचित विधायकों ने वसुंधरा राजे से मुलाकात की थी। विधायकों की राजे से इस मुलाकात को शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा गया।